बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने यह मैं अभी एक बैठा हुआ था, ऐसे तो न्यूज पढ़ रहा था, अभी मैं बैठे ऐसे भाई अपने हाथ से ऐसे मोबाइल सीधा किया है तो वीडियो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर एक भाई न्यूज सामने आ रखी है। कुछ भाइयों के लिए तो अच्छी है और कुछ भाइयों के लिए काफी इंफॉर्मेशन है। यानी कि आप भाई अक्सर सोच रहे थे कि अगर वैक्सीन की एक डोज लगवाई या अगर नहीं लगवाई, दोनों लगवा ली तो भाई क्या होगा, और अगर एक लगवा ली तो कंटाइन वगैरह कितने दिन का होगा, और सऊदी अरेबिया में हमें भाई डॉलर वगैरह कैसे जमा करवाने होंगे, यानी कि अगर वहां पर कंटाइन वगैरह करना होगा तो उसके लिए अलग से हमें डॉलर जमा करवाने होंगे। तो सबसे पहले जो खुशी की बात है वो तो ये है जी, तमाम तर वो वर्कर जो जिनमें मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, अच्छा कुछ साय खास कुछ खादमाएं इसमें नहीं आती हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो कौन से हैं वो भी आपको बताता हूं। जो सऊदी फैमिलीज या सऊदी मर्द हजरात किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वापसी जब सऊदी अरेबिया का सफर करेंगे तो अपने साथ अपने जो साय खास ड्राइवर हैं या अगर फैमिली के समेत जाते हैं तो जो फैमिली के साथ खादमाएं वगैरह होती हैं, घर की मुलाजमा जिसे बोलते हैं, वो उनके साथ सफर कर सकते हैं सऊदी अरेबिया का, और उनको भाई किसी होटलिंग वगैरह में कंटाइन वगैरह से करने से छूट होगी। यानी कि वो तमाम तर साय खास ड्राइवर और घर की खादमाएं उन सऊदी मर्द हजरात फैमिलीज के साथ घरों में ही कंटाइन वगैरह करेंगे 7 दिन के लिए। तो अपनी रिपोर्ट पीसीआर टेस्ट वगैरह 7 दिन के अंदर उनका होगा, फिर तवक्कलना के ऊपर उनका स्टेटस भी अपडेट होता रहेगा। और इनके लिए वो तमाम साय खास या घर की खादमाएं जो भाई छुट्टी पर गए हुए थे, 2-4 माह 5 माह हो गए अपने कंट्री में बैठे हुए या न्यू वीजा पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये नहीं है जी। आपको क्या करना होगा, और दूसरे जो भाई इकामा होल्डर हैं यानी कि छुट्टी पर गए हुए थे, उन बंदों को क्या करना होगा, आपने अगर तो भाई एस्ट्राजेनेका फाइजर वगैरह इनमें से किसी की भी एक डोज ली है यानी कि एक खुराक अभी तक लगवा ली है तो आप सऊदी अरेबिया का सफर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको 14 दिन से जायद का टाइम हो चुका हो वो भाई डोज वो वैक्सीन की डोज लगवाए हुए, यानी कि एक्स्ट्रा या ये फाइजर वगैरह कोई भी आपने लगवाई है तो आपको 14 दिन से जायद का टाइम हो चुका हो। हाँ, अगर आप दोनों लगवा चुके हैं अभी तो आपके ये तो बहुत बेस्ट चीज है जी। और जो बंदों ने अभी तक कोई भी किसी किस्म की वैक्सीन नहीं लगवाई है, सऊदी अरेबिया का सफर करना चाहते हैं तो भाई उनको यहां पर कंटाइन वगैरह करना होगा, उसके लिए अलहदा से आपको डॉलर वगैरह जमा करवाने होंगे। और इसके जो स्टेटस जो मैं आपको बता दूं, आपने अपडेट कैसे करना है यहां पर सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर, आपको भाई कैसे पता चलेगा आपने एक डोज लिया दो लिया, तो आप जवाब मैंने एक मुकम्मल तफसील के साथ भी इसके साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है कि जवाब ने बाकायदा एक भाई वेबसाइट मुतारफ करवाई थी, वो मैंने आपको बताई भी थी, उस टाइम उनके एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर आप खुद से भी देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आप खुद से अपना पताइश नाम पता इकामा नंबर वगैरह देकर कौन सी वैक्सीन लगवाई है वो उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल दे सकते हैं। बाकी हुकूमत पाकिस्तान के पास आपका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होगा जो कि ऑनलाइन है, वो किसी भी कंट्री में आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस के मुतल्लिक अभी देखा जा सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आ रही थी जी सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर। मजीद इसमें भाई जो भी अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।